वेलकम बैक टू मम्मी का मैजिक। फिर अब बारी है हमारे दूसरे सरप्राइज की। अब मैं आपको मिलाऊंगी उसे जो मेरी मैजिक की वजह है, मम्मी का मैजिक की वजह है, इनफैक्ट मेरी पूरी एग्जिस्टेंस की वजह है। आई एम गोना मेक यू मीट माय अगस्त्या। हाय बेबी, आर यू शाय? यू फीलिंग शाय? नो, शुड मामा स्टार्ट कुकिंग? यू लाइक पोटैटोस? या Yes. You like potatoes? So mama is going to make you potato wedgies. बनाऊं मैं आपके लिए potato wedgies? आप देखोगे? You understand कि मैं आपको बैठा दूं यहाँ? You want to sit there? Because I can't see properly. क्योंकि आपको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है ना? Okay. तो अब मामा क्या करेंगे? मामा करेंगे कि एक बड़ा सा बोल लेंगे. Okay? उसमें ये क्या है? Potato. ये है आलू, आपका फेवरेट. ओके, इसे हम एक बोल में डाल देंगे. अब इसमें हम डालेंगे. मामा क्या बना रहे हो? Oh my God, अगस्त्या की एक्साइटमेंट में मैं तो आपको बताना ही भूल गई कि मैं आज बनाने क्या वाली हूँ. मैं आज बनाने वाली हूँ पोटैटो सी सॉस. आपको पसंद है ना सी सॉ में जाना? गार्डन में आप किसके साथ खेलते हो सी सॉ में? आनंद कबू. आनंद कबू. ओके, आई होप आनंद कबू यू आर वॉचिंग. चलो, तो इसमें अब मैं कॉर्नफ्लावर डाल देती हूँ. ये कॉर्नफ्लावर मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि जब इसे मैं फ्राई करूंगी तो वो क्रिस्पी निकलेंगे हमारे पोटैटो वेजीज. जैसे आपको ड्राइड कस्तूरी मेथी मिलती है मार्केट में, इसी तरह आपको ड्राइड मिंट भी मिलता है. तो हम ये ड्राइड मिंट लेंगे. ओके, डाल देंगे थोड़ा सा पेपर और फिर इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक. बच्चे के मुंह में, अगस्त्या के मुंह में ऑलरेडी पानी आ रहा है और इसे इस तरह देख के मुझे भी बनाने में और भी मजा आ रहा है. एंड अगस्त्या, आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो? फॉर्मूला 1 ड्राइवर. और आपके कार का कलर क्या होगा? रेड. इसलिए मैंने इस बात को छेड़ी, बिकॉज ही लव्स द कलर रेड एंड हमेशा कहता है कि मेरी जो गाड़ी होगी वो रेड कलर की होगी. ओके, काफी हाई एस्पिरेशंस हैं. एक दिन तो ये मुझे बोलता है, मामा मुझे फरारी खरीद के दो. मैंने कहा आप खुद बड़े हो जाओ और फॉर्मूला 1 ड्राइवर बन जाओ, पैसे कमाओ और खुद अपनी फरारी खरीद लो. तो ये अच्छा, आप इसको मिक्स करके मुझे दे दो. हेल्प मी. ऐसे इसको, ये कॉर्नफ्लावर को इसके ऊपर लगा के दे दो. देखा, ये अच्छा तरीका है बच्चों को कुकिंग में इन्वॉल्व करने का, और स्पेशली जब आप बच्चों की फेवरेट डिश बना रहे हो, उन्हें अपने आप को इन्वॉल्व करने में और भी मजा आता है. ये रहा नैपकिन, इसे आप साफ कर लीजिए. एंड अगस्त्या, आप ये वेजीज अभी खाना चाहते हो कि टिफिन में लेके जाना चाहते हो? टिफिन. ओके, और किसके किसके साथ शेयर करोगे आप अपने टिफिन को? Lots of people. बताओ, मुझे नाम बताओ. बच्चे और उनकी शरारतें कभी नहीं खत्म होती, पर मैं जानती हूँ कि किन किन के साथ ये शेयर करता है और किन किन के साथ नहीं करता. उनके साथ नहीं करता जो अपने टिफिन इसके साथ शेयर नहीं करते. पर anyway, बच्चे तो बच्चे होते हैं, एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, खेलते हैं और बहुत सारी चीजें साथ ही साथ सीख जाते हैं. अब हम क्या करेंगे बेटा, आप थोड़ा साइड हो जाओ. Oh, you can't see properly. आपको फिर से बैठना है. मस्ती 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 मस्ती. I don't see it properly. अच्छा, आपको दिखाई नहीं दे रहा था इसलिए. ठीक है, तो अब ये जैसे ही थोड़ा सा तेल गर्म हो जाए में हम डालेंगे बारीकी से कटे हुए लहसुन. थोड़ा सा साल्सा सॉस. और बच्चों का फेवरेट टोमेटो सॉस, टोमेटो केचप. अगर तू जी फॉर गार्लिक एंड जी फॉर गुड, गुड रेसिपी एंड गुड. इसे गुड़ बहुत पसंद है बाय द वे, इसलिए जी फॉर गुड़ ही इसे याद आता है.
और अब इसमें एक ट्विस्ट डालने के लिए मैं इसमें डालूंगी डाबर का हनी। एक तो हनी बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है, बड़ों के लिए भी बहुत अच्छा होता है, एंड प्लस जब आप इसे इस वॉक स्टाइल में पोटैटो वेजीज के साथ बनाएंगे तो वो नमकीन और साथ साथ मीठा भी टेस्ट देगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम डाल देंगे हमारे पोटैटो वेजीज। या यम्मी, अब तो आपको ये और भी पसंद आएगा, राइट? ओके, दिस इज ऑलमोस्ट डन। अब हम क्या करेंगे, हम लेकर आते हैं हमारा टिफिन जिसमें हम इन पोटैटो वेजेस को डालेंगे। अब ये टिफिन को हम तैयार करेंगे, आप मेरी हेल्प करोगे? तो सबसे पहले इसमें हम डालेंगे, क्या डालेंगे? पोटैटो सी सॉस। एंड ये इसे मैंने सी सॉस क्यों बोला है? Okay, अब हम क्या करेंगे? You like mayonnaise, ना? You like cheesy mayonnaise? Yes. अब क्या करेंगे? अब हम करेंगे ये। अगस्त्य, कैसे लेते हैं? एक टूथपिक लेते हैं, इसमें हम ऐसे डालेंगे और आप कैसे खाओगे? इसके अंदर इसे पोक करके, देन यू आर गोना पिक इट अप एंड ईट, राइट? तो अभी मैं वो नहीं डालूंगी, मैं उसे इस तरह साइड में रख रही हूँ। और इसे होलसम बनाने के लिए एक और चीज ऐड करें, ऑरेंज जूस। रियल का ऑरेंज जूस अगस्त्य को भी बहुत पसंद है, एंड ये इस अपने टिफिन को अच्छी तरह से होलसम भी बना देता है। तो चलिए, आपका टिफिन तैयार है अगस्त्य? यम्मी, यम्मी। ओके, तो मैं इसे पैक करती हूँ और तब तक आप देख लीजिए इन पोटैटो सीसॉ का रीकैप। चार सर्विंग पोटैटो सीसॉ बनाने के लिए एक बड़े बोल में चार कटे हुए आलू डालें, फिर उसमें दो बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर, एक छोटा चम्मच सूखा पुदीना पाउडर, स्वाद अनुसार काली मिर्च पाउडर और नमक डालकर मिलाएं। फिर एक पैन में ऑयल डालें और आलू के टुकड़ों को तलें। और अब एक दूसरे पैन में दो बड़े चम्मच ऑलिव ऑयल डालें और उसमें एक छोटा चम्मच बारीक कटा हुआ गार्लिक, एक छोटा चम्मच साल्सा सॉस, एक छोटा चम्मच टमाटो सॉस और तीन बड़े चम्मच शहद डालकर थोड़ी देर पकाएं। फिर तले हुए आलू को इस सॉस में डालकर अच्छे से मिलाएं। मिलाने के बाद उन्हें टूथपिक से सजाकर सर्व करें। प्यारे मोमेंट्स आपकी फैमिली मेंबर्स के साथ आपको बताते हैं कि आपके रेगुलर डेज भी किस तरह से स्पेशल हो सकते हैं। तो चलिए, ऑन दिस नोट लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मैं जल्द वापस आऊंगी विद येट अनदर एक्साइटिंग रेसिपी।